नमस्कार, मैं हूं आशीष राव, लाइव टीवी समाचार, लोकतंत्र की आवाज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं कुछ अहम खबरों की तरफ। खबर गोंडा जनपद से, जहां पर गोंडा झंझरी ब्लॉक में गरीब कल्याण मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, दूर दराज गाँव से आए लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर सरकार द्वारा आयोजित गरीब कल्याण मेले का आयोजन प्रदेश के हर ब्लॉकों पर किया गया। वहीं झंझरी ब्लॉक भाजपा के सदर विधायक प्रतीक भूषण ने मेले के उद्घाटन के बाद मेले में आए लोगों को संबोधित करते हुए सरकार के कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी वितरित की। कई महिलाओं को गैस सिलेंडर के साथ मेले में आए लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ दिया। बाल विकास आंगनवाड़ी सेविका ने लगाया स्टॉल। गाँव से आई महिलाएं अपने 6 माह से अधिक उम्र के 2 बच्चों को खीर खिलाकर उनका अन्न प्राशन कराया। विधायक प्रतीक भूषण ने पकवान को खुद खाया। प्रभारी वीडियो एसडीएम वीर बहादुर यादव, सीडीपीओ धर्मेंद्र गौतम इस मौके पर विधायक के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम मिश्रा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सोनी सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नेशु मिश्रा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री विजय लक्ष्मी, आशा सिंह, लक्ष्मी कुमारी, ग्राम प्रधान बीडीसी, गांव से आए किसान। बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान कृषि और ब्लॉक के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार से गोंडा से राम नारायण जायसवाल की रिपोर्ट। स्टॉल लगा है, किस इसका स्टॉल है, किस विभाग से है? ये हमारा नाम अन्नपूर्णा पांडे, ये जो है ब्लॉक में, झंझरी ब्लॉक में बाल विकास प्रोत्साहन का ये स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे जो हमको डाई राशन मिलता है, दलिया है, दाल है, रिफाइंड है, गेहूँ चावल मिलता है। इससे हम गर्भवती धात्री 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, हमारे 3 से 6 वर्ष के बच्चे, इनको हम क्या बना के खिला सकते हैं, अपने घर में कैसे इनको पोषण कर सकते हैं। तो दाल है, चने की दाल का हलवा जी, कुल गर्भवती महिलाओं को हम कैसे पोषण कर सकते हैं। फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।